नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आपके आज आंसर की आ चुकी है, सी डी की सभी के आंसर की आ चुकी है। तो मैंने सी और डी दोनों पेपर आपको सॉल्व करा दिया है और अब आपको आपत्तियां दर्ज कराना है। और अब इस वीडियो में देखिए, हम आपके कट ऑफ की चर्चा करेंगे। तो देखिए, ग्रुप डी का आपका ये पेपर हो चुका है और एक पेपर में आपको एक क्वेश्चन में आप लोग सभी को दिक्कत हो रही है। आप लोगों ने सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में कहा है कि एक प्रश्न जो मैथ का है वो उसमें आपने आयोग ने गलत आंसर दिया है। चलिए उसको देख लेते हैं, फिर हम आपकी कट ऑफ की बात करते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए, आपको जानकारियां मिलती रहेंगी हमेशा की तरह, जैसे कि हम आपको देते रहते हैं। तो कट ऑफ बताते हैं और आप लोग आपत्ति दर्ज कराइए उस प्रश्न के खिलाफ। सबसे पहले आप क्या करिए, वीडियो चल रहा होगा उसके नीचे आप जाकर के देखेंगे, यहाँ पर आप जाकर देखेंगे लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन, इसको आप लोग दबा देंगे तो लाल से ये काली हो जाएगी और पल पल के अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा सबसे पहले जानकारी मिलेगी। और सबसे पहले आपत्ति वाले प्रश्न की बात करते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा ढेर सारे कमेंट मेरे पास आए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा प्रश्न है वो, और वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य किया करिए। तो देखिए, ये है हमारी प्रश्न जो सीरीज है हमारी सी का, प्रश्न नंबर जो है 15। इसमें आप लोग को काफ़ी दिक्कत हुई है प्रश्न के। इसे पूछा कि निम्नलिखित संख्या का गुणक ज्ञात करना है और आप सभी ने इसका आंसर मारा है सी, मतलब 1 और 5। अब देख लीजिए, इसका थोड़ा इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। 1 और 5 इसका सही आंसर होना चाहिए। आयोग ने जो इसका आंसर दिया है वो डी अर्थात उपयुक्त सभी दिया है। तो इसमें देखिए, यहाँ पर लिखा गया फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फैक्टर मतलब आपका गुणनखंड होता है और 5 के जो गुणनखंड होंगे वो 1 और 5 होंगे। ये कहीं भी आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। और ये मैंने भी नहीं ध्यान दिया था, मैंने अपना आपको हिंदी में निकल कर आपको हिंदी में देखा था, गुणन मैंने इसको समझ लिया था, गुणक लिखा हुआ है। तो ये फैक्टर अर्थात गुणनखंड पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 और 5 होगा। यदि मल्टीपल पूछता, गुणन पूछता, तो 5 तेई 15 और 5 25 25 का सही आंसर होता, लेकिन जो इसका 15 का सी सही है। तो अब आप लोग को इसमें आपत्ति करनी, ढेर सारी आपत्तियां जाएंगे तो आयोग को भी लगेगा नहीं हमने गलत आंसर दिया है। तो देखिए, मैं आपको आपत्ति के लिए थोड़ा बता देता हूं, लेकिन आपत्ति की प्रक्रिया को आपको खुद करना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको थोड़ा बताते हैं कैसे आपको आपत्ति दर्ज करानी है। देखिए, सबसे पहले आपको जाना है इस एग्जाम के जो है आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट cbtexam.in पर जाना है, जहाँ से आपने आंसर की डाउनलोड की होगी। यहाँ पर आपके 4 आंसर की रखी हुई हैं, देख सकते हैं। पोस्ट ए आपकी कैटेगरी है, पोस्ट सी की दूसरी कैटेगरी और सी की तीसरी कैटेगरी और डी की चौथी कैटेगरी। तो इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, पोस्ट डी की जो आपका डी क्वेश्चन पेपर है अर्थात ग्रुप डी के लिए, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपका अगला पेज खुलेगा। तो चलिए चलते हैं अगले पेज की ओर। तो देखिए, अगला पेज हमारा इस प्रकार से खुलकर आएगा। तो यहाँ पर ABCD आपके आंसर की हैं, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पर आप जाकर के देखेंगे जो हमारा जो आपका सी हमारी थी बुकलेट थी उसमें 15वां नंबर क्वेश्चन का आंसर आयोग ने दिया है डी नंबर, जो सही है आपका ए नंबर, सॉरी सी नंबर सही है 1 और 5। देखिए, कभी भी हिंदी और इंग्लिश में अगर कोई दिक्कत होती है, लैंग्वेज की ट्रांसलेट में दिक्कत होती है, तो आयोग खुद ही कहता है कि हम अपनी इंग्लिश वर्जन हमेशा सही मानेंगे। अब इंग्लिश वर्जन में देखिए फैक्टर लिखा हुआ है, अर्थात फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है और गुणनखंड जो 5 का होगा 1 और 5 होगा, तो इसको आप लोग को मानना पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में एक बार कहिएगा, हम आपका रिप्लाई सुनेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं, इसमें आपत्ति दर्ज कराने लायक है कि नहीं है। वैसे हमारा तो पूरा प्रयास है कि गलत है। अब आप लोग को क्या करना है, देखिए यहां पर है क्या करना है, आपको अपनी लॉग इन आई डी डालनी है जिससे आपने फार्म भरा होगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ही आपका पासवर्ड होगा उसको डालना है। फिर ऊपर क्या करना है, लॉगिंग दी ऑब्जेक्शन फार्म। तो यहाँ पर आप लोग ऑब्जेक्शन फार्म पर क्लिक करके उसको आपको करना है, ये आपको स्वयं करना पड़ेगा क्योंकि लॉगिन आईडी आपकी पड़ेगी उसमें और जो है आपका डेट ऑफ बर्थ भी आपकी पड़ेगी, तभी आप इसको लॉगिन करके ऑब्जेक्शन फार्म को भर सकते हैं। और ऑब्जेक्शन फार्म भरने की जो डेट है वो 24 से 28 है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 24 से 28 तक आप लोग ऑब्जेक्शन भर सकते हैं। तो काफ़ी ढेर सारे आप लोग के कमेंट आने के बावजूद मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर थोड़ा आपत्ति के बारे में आपको बताते हैं। ग्रुप डी में कोई एक क्वेश्चन में दिक्कत है और ग्रुप सी के पेपर में भी दिक्कत है एक दो, उसका भी मैं आपको वीडियो बनाकर जल्दी देता हूं। सबसे पहले आप लोग मेरी कट ऑफ देखने आए हाईकोर्ट की, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। हाईकोर्ट की जो आपको कट ऑफ देखनी है ग्रुप डी की, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए चलते हैं अपने विज्ञापन की ओर, जहाँ पर हमारा सबसे पहले विज्ञापन आया था। हमारी कट ऑफ जो होती है सीटों की संख्या को देख कर होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट को देख कर होती है और पेपर का लेवल को देख करके होती है कट ऑफ। और स्टूडेंट से हम लोग बात करते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, मध्यम स्टूडेंट हैं और सभी स्टूडेंट से बात करने के बाद, अभी आपके काफी स्टूडेंट से बात हुई है जिनके काफी अच्छे अच्छे नंबर आए हैं। तो चलिए हम लोग अपनी कट ऑफ की ओर चलते हैं। तो देखिए, ये आपका नोटिफिकेशन आया हुआ था, ये आपका हाईकोर्ट का जो आपको नोटिफिकेशन है, आपकी 1559 वैकेंसी हैं आपकी
और इसमें आपके चार पद हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटर के, प्रोसेस सर्वर्स के, सभी के चौकीदार और स्वीपर के, सभी के पद हैं। लगभग 1500 के करीब पद हैं और जो वेतन है आपका 20,000 करीब आपको वेतन मिलेगा। और स्टूडेंट की संख्या काफ़ी मात्रा में ज़्यादा है, 7 से 8 लाख लोगों ने पेपर दिया है, सी और डी का दोनों का पेपर दिया है, बहुत से 150 लोगों ने, तो स्टूडेंट की मात्रा ज़्यादा है, सीटों की संख्या कम है, तो कट ऑफ जाना निर्धारित है। और जिन लोगों ने भी पिछले साल का पेपर दिया होगा, वो जो मैं आपका कट ऑफ बताऊँगा, तो आप मेरी कट ऑफ से बिल्कुल संतुष्ट होंगे। तो चलते चलते पेपर के कुछ लेवल को समझते हैं, उसके बाद कट ऑफ को जानते हैं हम लोग। देखिए, पेपर का लेवल जो आपका था वो गणित भी सरल आई थी और हिंदी भी सरल आई थी, अंग्रेजी भी सरल आई थी, सामाजिक अध्ययन भी सरल आया था। अब देखिए, सरल तो ये आया ही था, लेकिन आप देखिए, 8 की मार्कशीट आपसे मांगा हुआ है, मतलब 8 आपकी क्वालिफिकेशन मांगा गया है ग्रुप डी के लिए। इसका मतलब पेपर का लेवल सही था, मध्यम भी कह सकते हैं, क्योंकि 8 का स्टूडेंट अगर पेपर करेगा तो वो उसके लिए बहुत कठिन होगा। हम लोग क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, इसके बाद पेपर देते हो तो हम लोग को सरल लग रहा है। इस हिसाब से मैंने पेपर का लेवल आपको सरल कहा है, क्योंकि 8 के लड़का का सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है उसमें, और 10 के भी मुश्किल है। जिसने भी तैयारी की उसके लिए बहुत ही आसान पेपर था। तो हमारे जो कट ऑफ है उसको आप लोग देख लीजिए, कट ऑफ जो हमारे निर्धारित की गई है। तो देखिए, हमने जो कट ऑफ बनाई ये है आपकी कट ऑफ, और अब इसमें से आपको देखना है कि आप हमारे कट ऑफ से कितने संतुष्ट हैं कि नहीं है। देखिए, ये सच्चाई है आपकी, थोड़ी हमने ज़्यादा बनाई है, जितनी कट ऑफ जानी हम एग्जैक्टली वही कट ऑफ आपको बना करके दे दिए हैं। क्योंकि देखिए, जिन लोगों ने पिछले साल का पेपर दिया होगा सी और डी का, वो मेरी कट ऑफ से बिल्कुल संतुष्ट होंगे। उनको तो लगेगा कि और कट ऑफ जानी चाहिए थी, 95 के ऊपर जानी चाहिए थी, क्योंकि पिछले बार की 200 में से कट ऑफ, आप समझिए 200 नंबर आप ही तो आपने प्री दिया है, प्री में अगर आपके नंबर कम हो गए हैं तो पहली बात तो उसमें सिलेक्शन नहीं होगा। प्री के बाद 100 प्लस 100 में 196 नंबर जनरल को लाने हैं, तो कहाँ से 196 नंबर आएंगे, अर्थात आपको 98-98 नंबर जनरल को दोनों प्रश्न पत्रों में लाने पड़ेंगे, प्री और मेंस में। इस हिसाब से देखिए, मैंने जो जनरल की कट ऑफ बनाई है वो 92 से 95 बनाई है, लगभग इतने आने चाहिए फर्स्ट क्वालिफाई करने के लिए जनरल के लिए। और ओबीसी भी पीछे नहीं रहता है, 91 से 94, उसको भी लाने पड़ेंगे। और एससी की जो कट ऑफ बनाई है हमने 88 से 90 बनाई है, इसके ऊपर ही आप लोग सही करिएगा, क्योंकि पिछले बार की एससी हमारे जिस स्टूडेंट से तो ये 190 नंबर लाया था इसी, तब उसका जाकर के सिलेक्शन हुआ था 200 में। अर्थात आप समझते हैं कि 190 का अर्थ है आपका कि आपका कम से कम 95 नंबर उसके रहे होंगे एक सेट में, इसलिए एससी के अब कट ऑफ गई थी आप करके 190 नंबर। तो पहले पेपर में थोड़े हम कम इसलिए कह दिए हैं, क्योंकि पहले पेपर में हाई कोर्ट क्या करता है, पास भी कर सकता है आपको, उसके बाद क्या करता है, फिर मेरिट आपकी बढ़ जाती है। और गर्ल्स देखिए, गर्ल्स हमेशा से आगे रही हैं, तो गर्ल्स के लिए भी कम नहीं है, 90 प्लस आपको गर्ल्स को करना पड़ेगा। और पीएच के काफ़ी ज़्यादा हमारे पास कमेंट आते हैं, तो 88 से ऊपर ही होना चाहिए पीएच के जितने भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि पीएच में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, सीटें कम होती हैं, और उसके बाद आपको फिर जनरल में क्वालिफाई करना पड़ता है। तो ये हमारी कट ऑफ है, कुछ लोगों को कट ऑफ ज़्यादा लग सकती है, लेकिन आप लोग समझिए कट ऑफ इतनी ही जाने वाली। पेपर के लेवल काफ़ी डाउन था, हमारे पास कमेंट आ रहे हैं सर हमारे 95 हमारे 96 हैं, हमारे 97 हैं, 94 हैं, 93, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि 90 से जो कम है वो उम्मीदें काफ़ी कम रखें, एससी को छोड़ करके और पीएच को छोड़ करके। तो ओबीसी वाले जितने भी हैं 90 के ऊपर के हैं, वो सेकेंड लेवल की तैयारी करिए। हाईकोर्ट ने चाहा तो 90 के ऊपर वाले को सबको बुला करके बाद में अलग मेरिट चली जाए, 195 चली जाए, 194 चली जाए, वो अलग की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि पहली जो मेरिट जाएगी वो सभी लोग के लिए 90 से 95 नंबर तक आपके होने चाहिए। देखिए, हाईकोर्ट ग्रुप डी गलती तो बिल्कुल से स्वीकार नहीं करता है। अगर आपकी गलती हो गई है, यदि आपको लगता है मैंने कट ऑफ ज़्यादा बनाई है, तो आप वीडियो को देख लीजिए और पिछली बार के कट ऑफ को देख लीजिएगा। जो लोग लड़कियों ने 99 नंबर लाए हैं और उनका अगर सेकेंड पेपर गड़बड़ हो गया तो उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि इसमें आपका गलती स्वीकार नहीं है हाईकोर्ट ग्रुप डी में। ग्रुप सी में जाएगी गलती, क्योंकि इतनी ज्यादा उसमें कट ऑफ नहीं जाती है, फिर भी आपको ग्रुप सी और ग्रुप डी में हाईकोर्ट का पेपर का लेवल काफी लो होता है। सी का तो अब की बार काफी अच्छा पेपर बना दिया गया, मैथ के क्वेश्चन आप जाकर के देखेंगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन मैथ के बने हुए हैं, लेकिन डी का लेवल अभी भी उसी प्रकार से है, तभी हमने कट ऑफ आपकी इतनी बनाई है। तो देखिए, ये थी हमारी कट ऑफ, आप देखते हैं आप लोग कितने संतुष्ट होते हैं हमारी कट ऑफ से। यदि आप संतुष्ट होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, सच्चाई यही है, अगर मैं कट ऑफ लो बना देता तो आप लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन वो कट ऑफ जब जानी नहीं है तो मैं लो क्यों बनाऊँगा कट ऑफ। तो काफ़ी समस्याएं हैं मेरे साथ भी, और जो सच्चाई है मैंने उसी को आपके सामने रखा है। बहुत से लोग कम नंबर होंगे तो वो लोग थोड़ा डिसअपॉइंट होंगे, लेकिन झूठी दिलासा देना मेरा मकसद नहीं है कि आप लोग झूठी दिलासा दे दूं कि आपका 85 वालों को हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा। देखिए, वो मुश्किल है,
तो बस यही है मेरी कट ऑफ। अब आप लोग कितने संतुष्ट हैं ये कमेंट बॉक्स में कहिएगा, अगर सहमत हो तो सहमत है लिख दीजिएगा, और अगर नहीं सहमत है तब भी आप भी अपनी कट ऑफ बनाइएगा कि आप कितनी कट ऑफ चाह रहे थे बनना और कितना होगी, और कट ऑफ जल्दी आ जाएगी तो आप मेरे कट ऑफ से संतुष्ट होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी कट ऑफ से आप संतुष्ट होंगे, जैसा कि हाईकोर्ट आपने कट ऑफ तो देगा नहीं पहली बार, तो दूसरी बार कट ऑफ देगा तो वो आपको मालूम चल जाएगी। तो बस यही था हमारा वीडियो, और आप लोग आपत्ति दर्ज कराइए, उसमें 1 और 5 मुझे लगता है कि एग्जैक्टली 100% सही है उसका, जो मैंने अपने 15 बताया था, 15 का सी जो फैक्टर आपका आपका था 1 और 5 होंगे। तो बस यही था, और कट ऑफ अच्छी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और डी ग्रुप का और सी ग्रुप का भी हम सोच रहे हैं कि एक आपको आपत्ति वाला प्रश्न के उत्तर को आप लोग को देते हैं, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो चैनल से जुड़े रहिए, और किसी दिक्कत है कटाप में, और किसी की देखिए भूतपूर्व सैनिक की कटाप बता देते हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए बहुत कम 75 से 80 के बीच में आप लोग सही कर लीजिएगा भूतपूर्व सैनिक वाले। और आपकी बात करते हैं इसके बाद एसटी की, एसटी देखिए ज़्यादा स्टूडेंट होते नहीं हैं, लगभग उनकी भी 80 से 85 के बीच में मानिए, क्योंकि स्टूडेंट कम है। और इसके बाद जो हमारे यहाँ थे स्वतंत्रता सेनानी की, उनकी भी कटाप काफ़ी जाने की संभावना है, तो 85 से 90 के बीच, क्योंकि उनकी सीट रिजर्व होती है और स्वतंत्रता सेनानी इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं है। तो भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सैनिक चिंता मत करें, 75-80 जितने भी आपके सही हो जाएंगे आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सीटें आपकी रिजर्व होती हैं। तो बस यही थे हमारी कट ऑफ, उम्मीद करते हैं आप हमारी कट ऑफ से संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।